उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि के साथ ही साथ गांव की शिक्षा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अभिनव परियोजना को आकार मिला। इसी के अंतर्गत गांव के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री एवं राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप काश्तकारों की आय 2022 तक दोगुनीकरण हेतु एकीकृत कृषि प्रणाली को किसानों तक पहुंचाया गया। यह परियोजना उत्तराखंड शासन के कृषि एवं संवर्गी विभाग और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर दोनों के ही सहभागिता का परिणाम है। जनपद में 2018-19 से स्मार्ट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसे गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के साथ कृषि एवं जो हमारे रेखी विभाग है, जैसे मत्स्य उद्यान है, गन्ना है, पशुपालन है, डेयरी है, रेशम है, इनके सहयोग से और समन्वय से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इसके लिए प्रत्येक हमारी जो 27 न्याय पंचायतें हैं उसमें 5-5 ग्रामों का चयन किया गया और प्रत्येक ग्राम के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसमें 4 वैज्ञानिक नगर विश्वविद्यालय के जो भिन्न भिन्न विषयों के थे उनके साथ कृषि एवं रेखी विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जो प्रत्येक माह इन गाँवों में भ्रमण कर किसानों को मैं सपन सरदार, सनप ठाकुर सरदार, दिनेशपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। मैं 98 से मछली बीज का उत्पादन कार्य कर रहा हूं और इससे हमें बहुत सारी आमदनियां अधिक से अधिक मिली है। इसके साथ साथ मैंने सरकारी अधिकारियों का एकीकृत का अधिक से अधिक जानकारी मिली, जिसके बाद मैं केले का पेड़, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गौ पालन आदि मैं साथ साथ मच्छी पालन के साथ साथ करता हूँ। मुझे इन लोगों से काफ़ी एकीकृत कृषि योजना के अंतर्गत कई सारे लाभ मिली है, जिससे भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी इन अधिकारियों से मिलके मुझे जो लाभ उत्पन्न किया दिया है, मैं इनसे भी लाभ लिया हूँ। मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे अमित कुशवाहा जी, देव रॉय सर, इन लोगों के द्वारा मुझे बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिला है, धन्यवाद। मेरा नाम जमुना दास है, पिता का नाम श्री शोभाराम स्वर्गीय, रजपुरा नंबर 2 का रहने वाला हूँ मैं और यहीं पर मेरी खेती है। इसमें मेरी फसल खराब होती थी हर बार में, 5 क्विंटल गेहूँ धान होता था इसमें, 10 क्विंटल कुल मिलाकर, और अब जब मछली पालन किया मैं तो मेरे 70-75 हज़ार रुपया मुझे साल का मिल जाता है। और जैविक मछली पालता हूँ मैं, कोई एंड सेंट ऐसी नहीं कि मतलब आदमी को नुकसान करे। मैं सब भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप खुद कार्य करिए तो इतना संपन्न हो जाएगा, अमेरिका क्या चीज़ है और ऑस्ट्रेलिया क्या चीज़ है। जैसे मैं संपन्न हूँ ऐसे मैं सबको करना चाहता हूँ, और इसी बात के साथ साथ सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राधेश्याम यादव है, मैं ग्राम बागवाला रुद्रपुर उधम सिंह नगर का निवासी हूँ। मैं पहले धान और गेहूँ आदि की खेती करता था, फिर मुझे कृषि अधिकारियों के द्वारा एकीकृत योजना के बारे में जानकारी दी गई, फिर मैंने डेयरी, सब्जी और मत्स्य पालन का काम शुरू किया, जिसमें मुझे 20-30% की ज़्यादा बढ़ोतरी मिली। विश्वविद्यालय के पास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनके एक लिमिटेशन है कि वो हर गांव में हर किसान तक नहीं पहुंच पाते, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बना ही इसलिए कि लोगों की मदद करे, उनके इनकम बढ़ाने के लिए जो कुछ सरकार मदद देना चाहती है उनके पास स्कीमें हैं, वो हैं, उनको लेके जाते हैं। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे मिलकर जाते हैं तो उसका डबल फायदा होता है। किसानों के साथ ये था कि वो उगाते तो हैं लेकिन वो उनकी आय बढ़ाने के लिए और क्या हो सकता है, उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स अप्रोच अपनाई गई। उसका मतलब ये होता है कि जो कुछ किसान कर रहा है उसमें अगर वो धान की खेती कर रहा है उसके साथ वो और क्या कर सकता है, वो मछली भी पालन कर सकता था, वो मुर्गे भी पाल सकता है, उसमें लाइव स्टॉक भी पाल सकता है, ये चीज़ें संभव हैं। तो वहाँ पर देख के हर किसान के लिए
अलग अलग सुझाव दिए गए। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इससे हमें एक इंटर इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप का भी आभास हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अदरवाइज एग्रीकल्चर के अफसर यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वो अपना काम करते थे, हम अपना काम करते थे। ये एक ऐसी योजना है जिसके साथ हमने मिलकर काम करना सीखा, इसके अभी तक जो परिणाम रहे हैं बहुत संतोषजनक हैं और आगे इसमें और अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। मेरी शुभकामना इस कार्यक्रम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि विभाग का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए आपके साथ मिलकर और जितना एक्सपेंड करना जितना बढ़ाना है साथ रहेगा। जिला प्रशासन और हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी किस प्रकार से मिलकर के हमारा डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की दिशा में काम कर सकती है, उसके लिए एक छोटा सा प्रपोजल रखा गया, उसको हमारे माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल स्वीकार किया गया। उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि जो भी इसके अंदर पंतनगर यूनिवर्सिटी और हमारे कृषि विभाग उधम सिंह नगर जिला प्रशासन उधम सिंह नगर के द्वारा किया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में मई 2018 में पहला इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करके 8 लाख रुपये का एक फंड हमारे द्वारा पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए रखा गया। इसके अंदर हमारे जो 27 नए पंचायत हैं उन सभी नए पंचायतों के लिए टीम्स का गठन किया गया, जो हमारे कृषि अधिकारी हैं उनके द्वारा बहुत ही तत्परता से सभी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वाइस चांसलर वीसी पंतनगर यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा अपने टीम्स को निर्देश दिए गए। हमारी और हमारे वीसी साहब पंतनगर यूनिवर्सिटी की मीटिंग की गई। मीटिंग के उपरांत में जो विभिन्न टीम बनाई गई वो भी बहुत ही जिसको कहते हैं कि मोटिवेटेड ऑफिसर्स की बनाई गई, उनके द्वारा गांव-गांव में जा करके जो हमारी नए पंचायत थी 27 नए पंचायत के 135 गांवों का हर यानी नए पंचायत में 5 गांवों का चिन्हीकरण किया गया, जिसको एक टारगेटेड अप्रोच के तौर पे देखा जा रहा था। हर टीम में 4 विभिन्न सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट थे। हमारे मुख्य कृषि अधिकारी और पंतनगर यूनिवर्सिटी के जो नोडल अधिकारी थे उनके द्वारा इसका विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई, फील्ड में जा करके भी देखा गया, उनकी मासिक समीक्षा भी की गई, उनकी बैठकें भी की गई। उसके उपरांत जो आउटपुट निकल करके आया हमारे तकरीबन 35 इंटीग्रेटेड फार्म, जैसे कि जो हमारे यूनिवर्सिटी का एक इंटीग्रेटेड फार्म था जिसको एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पर रखा जाता था और लोग आकर के देखते थे कि अगर हमारे को छोटा हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर हम क्या विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, उनको करने के उपरांत में उनकी जो इनकम होती थी वो उसमें बढ़ावा हुआ। और जो हमारे 35 फार्मर्स के द्वारा किया गया उनको देख देख करके अन्य भी कुछ किसानों के द्वारा इस दिशा में ऑलरेडी कार्य शुरू किया जा चुका है। ना केवल हमारा इंटीग्रेटेड फार्म का कंसेप्ट, इसके अतिरिक्त भी जो हमारे साइंटिस्ट पंतनगर यूनिवर्सिटी के हमारे विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के उद्यान विभाग के उनके द्वारा जो फील्ड में जाने से एक आउटकम निकला उसमें ये है कि जो हमारा समर पैडी है समर पैडी की जगह हमारे यहाँ पर मेज की क्रॉप्स को काफ़ी बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार से हमें अमरूद की फसलों को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। हम और खासकर हमारे मुख्य कृषि अधिकारी और उनकी जो पूरी टीम इसमें लगी रही उन सभी के द्वारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हमारे जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल किया जाए और जो हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उनके अनुपालन की दिशा में जो काम किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी की टीम उनके वीसी साहब हमारे मुख्य कृषि अधिकारी और उनकी टीम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये प्रोग्राम स्मार्ट विलेज के नाम से चालू करके इतने अच्छे ढंग से किया गया और जो अभी शुरुआत में अगर हम देखें तो ये फेज़ 1 में है, भविष्य में इसको और एक्सपेंड करके जो हमारे हर किसान से जो पंतनगर यूनिवर्सिटी की टीम और हमारे किसान जो बंधु हैं उनको जोड़ा जा सकता है। कृषि विभाग और जो हमारे उद्यान विभाग हैं वो एक माध्यम है जिससे कि जो हमारी टेक्निकल ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिससे किसानों को बेनिफिट मिलता है उसका लाभ किसानों को मिले और उनकी आय दोगुनी हो।